आपका रेस्टोरेंट किस तरह से हाइजीन है कि नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे बल्दिया बोलती है भाई, और ये ना बल्दिया सबकी फटती है, सबकी मतलब सबकी फटती है। ये सरफिरे टाइप के होते हैं, और सीधा नहीं है, नहीं 50 रुपया 100 रुपया फाइन भरते हैं, सीधा 500 दिनार 100 दिनार। दूसरे बाहर निकलोगे ना दूसरी जगह पर, अभी एक नेपाली नया मैनेजर आया ऊपर और मैं बात कर रहा था, मैंने उसको ऐसे ही बोला तुम ही नेपाली हो ऐसा मैंने बोला, तो बोलता है हाँ हाँ, बोलता है तुम ही पर नेपाली हो, बोला नहीं नहीं मैं मुंबई से। आज मेरे से क्या हुआ पता है क्या, ये दिख रहा है मैंने यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 40 मिनट किया था, बट मेरे से ये निकल गया, समझ लो अभी 10 मिनट है ना, ये निकल गया, ऐसे जीरो हो गया। हालत खराब हो गई, मगर आज मैंने जब आके इतना ज़बरदस्त वर्कआउट किया है, जो चला है ना ऑलमोस्ट 50 मिनट के आसपास, बट जो पसीना निकला है ना सुकून आ रहा है, और जो पसीने का सुगंध आ रहा है ना एक नंबर। मैं ऐसा लग रहा है कि मेहनत करके आ रहा हूँ कहीं पे, और ये भाई अपना भाग रहा है। चलो मिलता थोड़ी देर बाद में, रील्स देख लेना अगर रील्स नहीं देखा है आपने तो। जस्ट अभी छोले भिगा रखे है, सुबह बनाने के लिए भिगा रखा है, तो अभी मेरे पास में फिलहाल केला है, शेक बना के पीना है क्योंकि मेरे पास में खाना नहीं है और मैंने ना ही ऑर्डर किया है, तो अभी ये केला और ये शेक बना के मैं पी के सो जाऊंगा, मॉर्निंग में उठूंगा। चलो जय श्री राम बोलते हैं। जबरदस्त बनाए, चलो मैं पी के जाता हूँ सोने के लिए, मिलते हैं सुबह, ओके बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के बाद में अपना ये हाल है, बट आज अपन ना शादी के बारे में बात करने वाले, जो जो चैम रिएक्शन चल रहा था उसके बारे में, बट उससे पहले ये देखो कल रात को क्या सीन हो गया था ना, मैंने बिना कुछ खाए सो गया था, मतलब कि वही जो शेक पिया वही पी के सो गया, और अभी जब सो रहा हूँ ना मेरी आज 12 बजे से ही, मतलब दोपहर के 12 बजे से टर टर मेरे पेट में साउंड बज रहा है, टर 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 भुक टर टर करके, तो मैंने बोला भाई यार उठ जाता हूँ, फिर अभी बज गए 1 और उठ गया, बोला पहले कुछ बना लेते हैं और पहले अपना नाश्ता कर लेते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, फिर उसके बाद में जो भी बातें करनी है जो भी चीज करना है वो होगा, नहीं तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर अभी उठा हूँ, मैं से रोटी वीटी बनाया, मतलब अभी रोटी बनाने जा रहा हूँ, बनाया नहीं बनाने जा रहा हूँ, और याद आएगा, मिलते 2 मिनट के बाद। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में फाइनली इट्स लुक लाइक कल रात को यही पी के सोया था, तो मैंने बोला कि अभी वापस खाना खाते समय बना लेता हूँ, बंद हो जा भाई बंद हो जा बंद हो गया, तो खाना खाते समय बना लेता हूँ, तो बना लिया है अभी ये, तो उसको पहले खाना खा लूंगा, थक पीऊंगा, पहले अपन टेस्ट करते जो मेरा भरता बनाया है मैंने कैसे बनाया। अब मैंने एक छोटी सी रोटी बनाया, अनु छोटी रोटी खाओगे बेटा, फर्स्ट बाइट, कैसा भी मेरे को कच्चा पक्का बनाने आता है भाई, बना लेता हूँ, और मैं अपने आप को प्राउड करता हूँ कि चल भाई एटलीस्ट रोटी तो बना लेता हूँ, काफ़ी लोगों को रोटी गोल भी नहीं बनती, मेरी गोल नहीं बनी है, बट हाँ खाने लायक मज़ेदार बन गई है। बिगिनर है भाई, काफ़ी लोग नहीं बना पाते, हम भी उन्हीं में से एक है। जय माता दी।
अब पेट का बाजा बजना बंद हुआ, नहीं तो फिर ढोलक बजा सब बज रहा था यार। एक दिन की जिंदगी मस्त हो के जियो यार, खाओ पियो ऐश करो। अब मैं खाता हूँ, आप लोग से मिलता बाद में। भाई अभी जस्ट मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी पे, मगर अपना एक भाई है जो आज जा रहा है श्रीलंका, तो छुट्टी पे। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, कम सी यू सून। तो भाई पैकेजिंग डन ऑल हाँ, शॉपिंग वेटिंग फॉर होम। ललित, ललित कम वन ड्राइवर फॉर योर फ्रेंड। गुड, सी हैप्पी जर्नी ब्रदर, हैप्पी जर्नी हाँ, एंजॉय योर। बाय भाई, मैं तो जॉब पे जा रहा था, तो ये है बहुत सारा लगेज बनाया है, बट अच्छी बात है फैमिली के लिए लेके सामान जा रहा है। तो हमने थोड़ी सी मेहनत करके इनके सामान नीचे ले आके आ गए। टेक अ पिक्चर एंड जस्ट रिमेम्बर फॉर यू। सो ये सारे सामान देख लो भाई, टोटल 87 केजी सा, 87 केजी, 86 हाँ, 86 केजी का सीन है भाई। तो बेस्ट ऑफ लक हो योर जर्नी अगेन। भाई जा रहा है, अपना बोला फोटो वोटो खींच ले, तो जो रहेगा अशंका। चलो मैं भी बैठता हूँ अभी नीचे, मेरी बस आने को टाइम है। आखिरी बार बाय, सी यू। आखिरी बार बाय बोल के निकल रहे, उसका बैग भी लाने में हेल्प कर दिया, क्योंकि मेरे टाइम में भी जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे पास में भी दो तीन बैग थे, तो हेल्प किया था बंदा। हेल्प कर देना चाहिए यार, अगर देख रहे हो भाई। आई लाइक दैट, मेरी बस तो यहीं पे खड़ी रहती है जैसे हमेशा खड़ी रहती है, खाली ठोकना है, अभी ठोकूंगा। और खुल जा सिम सिम, खुल गया सिम सिम। चलो मैं बैठता हूँ और निकलूंगा काम पे, मेरी वाइफ का फ़ोन आ रहा था, सो आई जस्ट वांट टू टॉक टू हर आल्सो। मेरा अड्डा मस्त, ना किसी का झंझट, ना चिपक के बैठना पड़ता है, आराम से बैठो और पहुंच जाओ। तो जैसा कि ना मैं अभी यहाँ पे बैठ गया हूँ बस के अंदर ना, और मैं आपको ना वो जो शब्द हम बस ये, तो मैं बैठ गया हूँ बस के अंदर ना, तो मैं आपको है ना जो बोल रहा था ना चैन का, क्या सऊदी का क्या सीन है, क्या एक ऐसा मेजर कंप्लेंट हुआ है, तो मेरे को उसके बारे में बात करना था। बट है ना आप उन्हें ना रेस्टोरेंट में बात करेंगे, और डेफिनेटली इस वीडियो में वही बातें होने वाली है। क्या हुआ, एक फूड चैन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से फूड पॉइजन हुआ था। अभी क्या सीन है, कैसा सीन है, मैं अच्छे से बताऊंगा बैठ कर, अभी क्योंकि बस चल रहा है, लोग आएंगे, सब लोग है ना लगी रहेगी। देखो एक गाना गा रहा है, पता नहीं कौन से प्यार में गा रहा है। भाई फाइनली पहुंच गए, आज मैंने भेड़ पगड़ी देखी यार उधर पे, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा टाइम मगर वो जब पास में पर्दा खोला ना तब मेरे को देखने मिला, मगर हाँ ठीक था। तो चलते इस प्यारे से लोकेशन पर और प्यारे से व्यू में, वाह क्या प्यारा दिख रहा है ना, माशाल्लाह। चलो पहुंचते अभी काम पर और खत्म करते अपना काम। तो भाई देखो कौन मिला हमको, क्या हाल है, थोड़ी तबीयत ठीक कर लो। काफी पतले हो गए यार आप, ये जो पेंट था ये मैं इंडिया से लेके आया था जब, हाँ हाँ। तो इस पे मैं जब यहाँ पे कुवैत में मैंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, हाँ। तब भी मैं इसमें बेल्ट नहीं लगाता था, अब बेल्ट लगा लिया, बेल्ट चाय से दो बार घूम रही है। भाई खाने पीने का टाइम नहीं है, जो इसके जूलस पे खाया जाता है वो भी सीन अलग है, तो शायद इसकी वजह से। बट कोई नहीं, तबीयत का ख्याल रखो, क्योंकि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, बाकी तो पैसा आया ही चले ही जाए। तो फिर शॉपिंग वॉपिंग अच्छे से करो। हेलो सी यू। ओके, तो अभी अपने जॉब पे जा रहे हो? नहीं नहीं सीधा रूम। अच्छा यहाँ से ही रूम? सीधा ही रूम। क्या प्यारा व्यू देखते हुए निकलोगे तुम तो, वो लास्ट कॉर्नर में मेरे को जाना है एक बार, वहाँ पे तो एक नंबर है। आज ब्रेक होगी तो आओ, ब्रेक पे आओ। नहीं ब्रेक आज नहीं है, आऊंगा मगर एक बार घूमने जाना है वहाँ पे। चलो मजदूर मजदूर मेरा एक्टिंग कर रहा है, वेट कर रहा था उसका। हाँ तो कल हमने ना दो तीन मूवी खत्म किया है, वो देखो मजदूर को सुनो मुश्किल हाँ वाली मैं वही बोल रही हूँ, नो वरी दे गुड।
मगर मैं ना बताओ, एक अपने आप को ना एक चीज प्राउड करोगे, कोई भी प्राउड करेगा जब आप लोग यहाँ पे आओगे ना, और आपको कोई दूसरा कंट्री का आपको पूछेगा ना भाई तू कहाँ से, और जब आप बोलोगे ना मैं इंडिया से हूँ, तो वो मोमेंट ना चुम्मा वाला मोमेंट होता है, और वो सब आप लोग एक दिन जरूर फील करोगे जब अपने देश से अपने वतन से बाहर निकलोगे ना दूसरी जगह पर। अभी एक नेपाली नया मैनेजर आया ऊपर और मैं बात कर रहा था, मैंने उसको ऐसे ही बोला तुम ही नेपाली हो ऐसा मैंने बोला, तो बोलता है हाँ हाँ, बोलता है तुम ही पर नेपाली हो, बोला नहीं नहीं मैं मुंबई से। तो अच्छा कर रहा मोमेंट था, अच्छा लगता है भाई। फिर मैं बोला जब ना इंडिया, फिर उसने बोला मुंबई, तो ऐसा मजा आया मगर वो कन्वर्सेशन में। तो लड़कों और लड़कियों कैसे हो, मुझे पता है मेरी ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो देखते हैं लड़कों देखते हैं। वन मिनट पहले मैं इसको कैमरा, हाँ अभी थोड़ा कैमरा को वाइप कर लिया हूँ, तो जस्ट ड्यूटी तो अभी फिनिश हुई है। मेरे साथ में आज के जाएंगे मंजू का तो छुट्टी था, तो सीन क्या है, सीन ये है कि याद आ गया यार, कभी कभी ना मैं भूल जाता हूँ तुम लोग से बात करने के लिए, फिर मैं वापस कमेंट सेक्शन में जाके देखता हूँ हाँ किसका क्या कमेंट आया था, तो वहाँ से ही मेरे को कंटेंट मिल जाता बनाने के लिए। अदरवाइज मैं क्या ही अपनी डेली लाइफ जो आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग क्या ही ज़्यादा मेरे से मोटिवेट हो गए, बट कोई नहीं। बट जिन लोगों का कमेंट आया था, वो बंदा पूछ रहा था मेरा सऊदी के लिए सिलेक्शन हो गया है, क्या सीन हुआ है जरा बताओ। तो एक्चुअली ना हमारा जो ये जो कुवैत और जो जगह पर मैं काम कर रहा हूँ ना, उसका बॉर्डर और कुवैत और सऊदी का बॉर्डर एकदम नियर बाय एकदम क्लोज है, तो यहाँ से सीधा आप सऊदी के इधर पे जा सकते हो, मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ, खाली कुछ 5-10 किलोमीटर और रहेगा फिर सीधा आप सऊदी में एंटर कर सकते हो। तो क्या सीन हो गया, अभी से कुछ टाइम पहले जो ईद गया ना ईद, वहाँ पे है ना कुछ फूड पॉइजन हो गया, जो चैन रेस्टोरेंट है ना जैसे KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, सबवे, टैको बेल और बास्किन रॉबिन, हार्दीस, KFC बोला, ऐसे इस जगह से कुछ फूड कस्टमर लोगों ने खाए, जो कि 33 केस ऐसा आया था। आपको है ना इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, आप है ना गूगल पे सर्च करोगे ना क्विक चैन रिएक्शन व्हाट हैपेंड इन सऊदी अरेबिया, तो आपको है ना एक मतलब एक लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके अगर चेक करोगे ना तो आपको उसके बारे में बताया रहेगा। हालांकि वही है कि फूड पॉइजनिंग का केस आया, मुझे लग रहा है कोई ख़राब प्रोडक्ट की वजह से या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा सीन हुआ रहेगा जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो वही उसके चलते ना, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर मतलब जो भी हमारे यहाँ पे कुवैत में जो भी QSR वाला बंदे लोग हैं ना, मतलब QSR रेस्टोरेंट है ना, उन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग मिला हुआ है, आपका प्रोडक्ट शुड बी हाइजीन हेल्थी, कोई भी ऐसा एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर बल्दिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बल्दिया वाला आता है छापा मारता है भाई, यहाँ पे मेन है ना, अब जैसे मुंबई में कहते नगर निगम हो गए या फिर महानगर पालिका हो गए या सरकारी ऑफिसर हो गए या फिर फूड चेकिंग इंस्पेक्टर वाले हो गए, आके चेक करते हैं ना हर रेस्टोरेंट में, कभी कभी ऐसे नॉर्मली जाते ही चेक करते कि आपका रेस्टोरेंट किस तरह से हाइजीन है कि नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे बल्दिया बोलती है भाई, और ये ना बल्दिया सबकी फटती है, ये सरफिरे टाइप के होते हैं, और सीधा नहीं है नहीं 50 रुपया 100 रुपया फाइन भरते हैं, सीधा 500 दिनार, 100 दिनार, 200 दिनार, 50-100 रुपया इंडिया की बात कर रहा था, 100 दिनार, 200 दिनार, 250 दिनार, 500 दिनार ऐसा फाइन मार देते हैं अगर आपके नाखून बड़े हो गए और आप हाइजीनिक नहीं हो, आपका कोई प्रोडक्ट एक्सपायर निकल गया अंदर, सीधा फाइन मेल देते हैं। फिर इसके बाद में, और आपको ये मत सोचो कि कंपनी आपकी हेल्प करेगी, नोबडी इज हेल्प यू, आपकी हेल्प खुद ही करना पड़ेगा, आप खुद ही जाके कोर्ट कचहरी के तक्कर लगाओ, लॉयर ढूंढो खुद ही। तो भाई बहुत चीज़ है, बहुत सारा मसला है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अभी वहाँ पे जो सीन हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट किया हुआ है भाई, हर चीज़ बराबर प्रॉपर न्यू हाई क्वालिटी ये सारी चीज़ें चल रही है, मतलब सब अच्छा सर्विस कर रहे हैं। अगर यही अगर बल्दिया का फाइन, मतलब चलो फाइन हो तो छोड़ो, मगर बल्दिया अचानक से कभी भी आ जाता है ना, एक तो उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, सीधा अरेबिक में क्या वो भाई साहब, बहुत सरदर्द वाला सीन है ये। तो मेरा एक ही वार्निंग है, यही चेतावनी है भाई, हमको भी सेव रखो और खुद भी सेव रहो, अपने रेस्टोरेंट को भी सेव रखो, अपने मैनेजर को भी सेव रखो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैनेजर ने बोला था या फिर ऐसा पहले से आया हुआ है, पहले से मिला हुआ है, मतलब सीधा वो देखेगा ना फाइन, तुम्हारा सिविल ID कट लेगा और फाइन मार देगा। और उससे क्या होगा पता है क्या, तुम सोच रहे हो फाइन से क्या होता है, कौन सा भरना है अपने को, मगर आप घर नहीं जा पाओगे जब तक आपका एयरपोर्ट सिविल ID कार्ड देंगे ना, वहाँ पे चेक करते हो लोग कि कुछ आपका पेंडिंग तो नहीं है, आपका कुछ फाइन वगैरह तो नहीं है,
कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस में उल्टा सीधा चला रहा है तो फिर उसको फाइन गिरा हुआ है, नहीं जा सकता बिना फाइन भरे हुए। भाई बहुत लोचा है यही घर से दूर रहने का मतलब ना, अपने आप को सेव रखो और यही चीजें आपको लाइफ में आगे चलकर पता चलेगी। बहुत सीन है भाई, जब धीरे धीरे आओगे ना आपका दिमाग वैसे ही खुलेगा। हाँ ऐसा भी होता है, मैं कुछ लोगों को डरा नहीं रहा हूँ यार कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, मेरा डराने का मकसद कुछ भी नहीं है। बट मोटिवेट रखना, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अगर सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, हाउ यू विल हैंडल योर सेल्फ। तो भाई यही चीज़ें हैं भाई, प्रिपरेशन रखना खुद के लिए, अपने आप के लिए, बाकी सब तो बढ़िया है। बाकी QSR रेस्टोरेंट में आओगे ना, वो लोग ही खुद आपको सिखाएंगे कि आपने आपको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे। दिन भर आपको कभी आपका बॉस आके बोलेगा, कभी मुदीर आके बोलेगा कि भाई ये करो, ऐसा चेक करो, ये क्लीन करो, तो भाई ये सब करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मेरे को नहीं क्लीन करना पड़ता? भाई हर चीज़ें करनी पड़ती है मेरे को, हर मॉपिंग से लेकर कचरा फेंकने जाने से लेकर कैश लेने से लेकर असेंबल करने तक, कस्टमर सर्विस से लेकर, मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप मॉप मार रहे हो तो खाली मॉप ही मारोगे, आप बर्गर बना रहे हो तो खाली बर्गर बनाओगे, आप फ्रायर पे खड़े हो तो फ्रायर पे खड़े रहोगे, आप असेंबल कर रहे हो तो असेंबल करोगे, आप कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हो तो ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर जो इंडिया के बर्गर किंग में काम किया है वो तो उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं, उसको तो बहुत सारा एक्सपीरियंस अपने आप ही मिल जाएगा। तो हालांकि ये हो गया मेरा एक छोटा सा मैसेज जी, ये सीन हो गया था वहाँ पे, थोड़ा फूड पॉइजनिंग का सीन था, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया था कि कहीं क्योंकि न्यूज़ फैलता है ना सारे गल्फ कंट्री में, तो यहाँ का ऐसा सीन था भाई कि टेक केयर करो, अपने रेस्टोरेंट को क्लीन एंड क्लियर रखो एंड हाइजीन मेंटेन रखो। हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हर बार हम लोग को बाहर निकल के ना देख रहे थे कल मंजू मार रहे थे यहाँ पे, तो हर बार टेबल क्लीन करना पड़ता है। जैसे कस्टमर कोई खा के गया तुरंत उसको फेंको, उस टेबल को वह सैनिटाइज करो, फिर वो मतलब जैसा था वैसा वापस करके दो, ऐसा सीन है। और फाइन डाइन की तो बात ही अलग होती है, उसकी तो बाद में बात करेंगे। चलो फिलहाल अपने इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप सो कि यू एंजॉय द वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I will cut this one. I will cut this one. Okay, मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि तुम मॉर्निंग में मेरे को मॉर्निंग में छोड़ के क्यों गया? Why you left morning? मॉर्निंग अच्छे है ना, बहुत कम नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग प्रिपरेशन करेगा तो खलास, माफी कस्टमर। गुड, देखा कितनी शानी बंदी है ये। ओके के जंग, बाय बाय, सी यू टुमारो। बिजी खलास।